बहुत बड़ा फैन हूँ। बाबर को तो किंग कहता, किंग करता है क्या? बाबर किंग, मैं बाबर का बहुत बड़ा फैन हूँ और बाबर के खिलाफ कोई बोल देता है ना तो समझो मेरी उससे लड़ाई हो जाती है। सवाल ये है कि बाबर को सवाल बनता है किंग कहते हैं, किंग करते हैं क्या? आपको किंग जो है वो किंग वाली परफॉर्मेंस देना पड़ेगी। 20 रन मैं बोलता हूँ कि होता है, असल में पिच भी थोड़ा मुश्किल थी लेकिन हमारे वालों का पता है क्या सोचते हैं, 120 के टारगेट को भी एंड तक लेके जाए यार। रवाने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो इमाद वसीम का है यार। 22 सर्कल के बाहर बॉल छुट्टा लगा के बोलना खेल रहा है रिजवान अपने, उन्होंने 30-32 रन किए 44 बॉलों पे, पाकिस्तान को बिल्कुल बीच मंझदार में छोड़ के चले गए। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सके। मैच देखा? जी जी बिल्कुल देखा। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मैच हुआ, 120 रन नहीं बना पाया यार। 120 रन मैं बोलता हूँ कि होता है, असल में पिच भी थोड़ा मुश्किल थी लेकिन हमारे वालों का पता है क्या सोचते हैं, 120 के टारगेट को भी एंड तक लेके जाए यार। आप 2-3 ओवर में मार धाड़ करो, मैच को खत्म करो। मैच आपको हरवाने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो इमाद वसीम का है यार। 22 सर्कल के बाहर बॉल छुट्टा लगा के बोलना खेल रहा है भाई। मैं बोल रहा हूँ कि सर्कल के बाहर बॉल नहीं जा रही है, 30 यार्ड का जो सर्कल है ना, नसीम शाह ने आपके मुंह पे आके जो तमाचा मारा है ना, दो बॉलों पे जो दो चौके मारे हैं उसने यार, जब बॉलर आके बाउंड्री लगा रहे हैं तो आप बैट्समैन हो, आपसे सर्कल के बाहर बॉल नहीं जा रही है। रिजवान अपने, उन्होंने 30-32 रन किए 44 बॉलों पे, पाकिस्तान को बिल्कुल बीच मंझदार में छोड़ के चले गए। सबको सबको रगड़े में लेना चाहिए, बॉलर ने तो अपना काम कर दिया था। आप ये देखो, इंडिया ने 19 ओवर खेले हैं और हमने 20 ओवर में 120 रन नहीं बनाए। बाबर की कप्तानी पे भी सवाल उठते हैं, बाबर की बैटिंग पे भी। मैं बाबर का बहुत बड़ा फैन हूँ। बाबर को तो किंग कहता, किंग करता है क्या? बाबर किंग, मैं बाबर का बहुत बड़ा फैन हूँ और बाबर के खिलाफ कोई बोल देता है ना तो समझो मेरी उससे लड़ाई हो जाती है। सवाल ये है कि बाबर को सवाल बनता है, किंग कहते हैं, किंग करते हैं क्या? आपको किंग जो है वो किंग वाली परफॉर्मेंस देना पड़ेगी। किंग असल में कोहली से कंपेयर करते हैं, देखो कोहली से बाबर का कोई मुवाजना नहीं बनता। कोहली बहुत बड़ा ब्रांड है, कोहली ने वो मैच इंडिया को जितवाए हैं जो बाबर ने भी नहीं किया, और बाबर का भी करियर अभी चल रहा है, इंशाल्लाह करेगा बाबर। लेकिन बाबर पे सवाल उठता है कि भाई जब आप यूएसए के खिलाफ 44 बॉलों पे 44 रन की इनिंग खेल के जा रहे हो तो रन अप बॉल जब आपको इंडिया के खिलाफ चाहिए था आपने क्यों नहीं बनाया? बाबर पे सवाल उठता है, कप्तानी पे सवाल उठता है, और ओवरऑल टीम चेंज होनी चाहिए। इफ्तिखार चाचा यार, चाचा की जगह नहीं बनती। शादाब खान दोस्ती यारी पे खेल रहा है क्योंकि उसने एक ओवर भी नहीं कराया। शादाब एज अ बॉलिंग और लाउंडर जा रहा है, जब आपने एक ओवर नहीं कराया शादाब को तो आप शादाब को बचा रहे हो ना, या तो उससे बॉलिंग कराओ ठीक है, अगर आप उसको एज अ बैट्समैन खिला रहे हो तो फिर उसने डिलीवर करना है। शादाब भी जो है कुछ करके नहीं गए। इसके अलावा जब तक दोस्ती यारी टीम में चलेगी तो आपकी टीम नहीं कर सकती, इसमें सियासत चल रही है। लगातार पाकिस्तानी टीम जिससे भी मैच हारते जा रही है भाई। हम जो है अभी भी मेरी पॉजिटिव सोच है कि हम अभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं क्योंकि यार पाकिस्तान तो रोक आगे पहुंचता है, पाकिस्तानी है ना, दिल तो अभी भी पाकिस्तान के साथ है, लेकिन टीम चेंज होनी चाहिए ठीक है। बहुत सारी चेंजेस की जरूरत है, इफ्तिखार चाचा को चेंज होना चाहिए, उसामा मीर के साथ ज्यादती हुई है उसको लेके आना चाहिए। जब तक आप अपने मफाद के लिए खेलोगे ना तब तक टीम नहीं जीत सकती आपकी। हाँ, अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलना है। बाबर ने T20 में जो है वो सबसे ज्यादा रन कर लिया है भाई, मुझे ऐसे रन का क्या करना है जब मेरी टीम हार रही है, मुझे मैच जीतना है। चाहे बाबर 10 रन बनाए, सुपर 8 के लिए पाकिस्तानी टीम क्वालिफाई करेगा नहीं कर सकती है। देखो अगर आयरलैंड यूएसए को मार दे ठीक है, और हम अपना मैच कनाडा और आयरलैंड से अच्छे मार्जिन से जीत लें तो अभी भी चांस है हमारा क्वालिफाई कर लेकिन हम डिजर्व नहीं करते हैं। यूएसए डिजर्व करता है कि उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, वो जाए। देखिए छोटी टीम जाएगी ना तो ये है कि सुपर 8 देखने में मजा नहीं आएगा, लेकिन ये है कि एक दिल खुश होगा कि यार यूएसए जैसी छोटी टीम जहां पे अभी क्रिकेट परवान चढ़ रही है वो सुपर 8 में जा रही है, तो ये एक पॉजिटिव साइन होगा यूएसए के लिए। हमारी टीम डिजर्व नहीं करती लेकिन फिर भी इंशाल्लाह क्वालिफाई। पाकिस्तान टीम इंडिया को तो छोड़े आप, यूएसए जो पाकिस्तान अभी रिस्पेक्ट ही नहीं हुई आईसीसी में यार। यूएसए ने 2019 में अपने क्रिकेटिंग कैरियर का आगाज किया है। 2019 में बाबर को कैप्टनसी मिली थी, बाबर ने 2015-31 मई को जो है वो अपना वनडे का डेब्यू किया था, तो बाबर के डेब्यू करने से भी 4 साल बाद यूएसए की टीम वजूद में आई है, और आप ऐसी टीम के खिलाफ यार इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस दे रहे हो तो मैं आपसे क्या उम्मीद करूं। बाबर बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन T20 में सॉरी टू से बाबर को उस तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा अगर टीम में जगह बनानी है। अदरवाइज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, हमारे पास साइम अय्यूब है, मोहम्मद आरिज है, साहिबजादा फरहान है। यार आप लड़कों को चांस नहीं दे रहे। आप एक बात बताओ, इस टीम में 5 ओपनर खेलना है यार, 5 ओपनर है। इसमें उस्मान खान है ठीक है, साइम अय्यूब है, रिजवान है, बाबर है, इसके अलावा साइम अय्यूब, फखर जमान, ये 5 ओपनर है यार। 5 ओपनर जब आप फिर भी कोई करके देखिए 15 के स्क्वाड में आप 5 ओपनर 3 विकेट कीपर ले जाओगे तो आप मुझे बता दो कि किसको कहां पे एडजस्ट करोगे भाई। ऐसे नहीं सिस्टम बनेगा। क्या बेहतर समझते हैं कैप्टन कौन होना चाहिए?
कैप्टन जो है आपको रिजवान को कप्तानी देनी चाहिए, क्योंकि देखिए विकेट के पीछे से वो जो है पूरा गेम को चलाएगा और उसके अंदर कैप्टनसी वाली जो है वो, यानी कि जो जरासीम होते हैं ना कप्तानी वाले, उसके अंदर वो हैं, वो बाय बॉन्ड कैप्टन है। जैसे सरफराज का है ना, वो ना बॉलर से बात करता है, कम्युनिकेशन नहीं है भाई। बॉलर से आप बात करो, बॉलर को पिटाई लग रही है आप बात करो, बैट्समैन से बात करो, आप जो पानी लेके जा रहे हैं आप उसको बोलो यार कि भाई आप जाके वहां पे मैसेज दो इमाद को कि भाई रन कम रहेगा, हमारे पास विकेट हैं, अब हमारे पास चार पांच विकेटें जो बची वो क्या हम घर लेके जाएंगे अपने। थोड़ी सी कम्युनिकेशन चाहिए होती है, थोड़ा सा बात करना पड़ता है खिलाड़ियों से, वो बाबर में थोड़ा सा कम है। बाबर एज अ प्लेयर वेल एंड गुड, लेकिन एज अ कैप्टन आपकी जगह नहीं बनती। रिजवान को आप कैप्टनसी दो, तीन चार प्लेयर आपके चेंज होंगे, इफ्तिखार को आप बिठाओ, नए लड़के लेके आओ। T20 इज ऑल अबाउट यंग ब्लड, यंग ब्लड। जब पाकिस्तान टीम में कैप्टन सरफराज अहमद था तो नंबर वन में देखें, सरफराज कप्तान वेल एंड गुड, लेकिन सरफराज की एज अ प्लेयर जगह नहीं बनती T20 में, क्योंकि जब तक आप ऊपर बैटिंग करने नहीं आओगे, आप आ रहे हो हसन अली के बाद बैटिंग करने यार, तो फिर इस जगह पे आपकी जगह बनेगी नहीं टीम में। आप कप्तान बहुत अच्छे हो, आप अपना अगर नंबर ऊपर ले आते तो आप अभी टीम में होते, लेकिन अभी आपका जो है वो बिल्कुल प्रोग्राम सेट है, रिजवान कप्तान बनेगा, तीन चार प्लेयर ऊपर नीचे होने हैं, शादाब को आपने रेस्ट कराना है, बाहर बिठाना है, उसामा मीर को लेके आना है, इफ्तिखार की जगह किसी दूसरे ऑलराउंडर को आप ट्राई कर लो, खुशदिल है हमारे पास। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम है यार, डोमेस्टिक में आप जाओ तो कामरान गुलाम है, साहिबजादा फरहान है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेयर हैं। आप जो है वो ओपनर की जो पोजीशन है ना, ओपनर पे सब रन बना देते हैं फिर वो टीम में आ जाते हैं। आप बताओ उस्मान खान यार, आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप यूएई से यहाँ आ जाओ, हम आपको वर्ल्ड कप खिला देंगे, उसने आपको वर्ल्ड कप का मैच हरवा दिया यार, उससे बॉल मिडिल नहीं होता, उसके बाद ना कवर ड्राइव है, ना पुल शॉट है, ना स्ट्रेट ड्राइव है। इस तरीके के प्लेयर जब तक आपकी टीम में उस्मान खान जैसे होंगे तो मेरे भाई आप इंडिया को क्या, आप यूएसए कैनेडा को भी नहीं हरा सकते, आपकी टीम जेल ही नहीं हुई भी। जब तक टीम में बाबर आजम के लिए क्या पैगाम दो, बाबर के लिए पैगाम ये भाई आप कप्तानी छोड़ो, आप एज अ प्लेयर बहुत अच्छे हो, किंग हो आप, अभी आपका कैरियर बहुत बाकी है, अभी आपने बहुत सारी चीज अचीव करनी है, कप्तानी का बोझ हटाओ अपने सर के ऊपर से और एज अ बैट्समैन परफॉर्म करो आप इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें अचीव करोगे, ये मेरी उम्मीद है और मैं बाबर का बहुत बड़ा फैन हूं। लेकिन इंडिया के मैच के बाद एज अ कैप्टन और एज अ T20 प्लेयर आपकी जगह नहीं बनती यार, बाबर बाबर तो किंग है।